नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास Xiaomi का या Poco का फ़ोन है, उसमें सिक्योरिटी स्टेटस का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इससे क्या होता है और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में एक सिक्योरिटी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर यह आपको फ़ोन में ऑफ दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के सेटिंग से जाके इसको आपको ऑन कर लेना है। अगर आपके फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या खो जाता है तो आप फाइंड डिवाइस की मदद से अपने फ़ोन का लोकेशन देख सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने फ़ोन को लास्ट कब अपडेट किए थे, यहाँ पर आपको डेट देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको नीचे में एक गूगल प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल्ड होगा वह दिख जाएगा और यहाँ पर कोई भी अगर हार्मफुल ऐप आपके फ़ोन में होगा तो यहाँ पर स्कैन करके बता दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको नहीं दिखाएगा। अगर कोई भी आपके फ़ोन में हार्मफुल ऐप दिखा रहा है तो उसको यहाँ से आपको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलता है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि Xiaomi या Poco के फ़ोन में सिक्योरिटी स्टेटस का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और उसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। धन्यवाद।